कहाँ से आई हैं आप? पुणे से। अच्छा ये बताइए, ये आप कहाँ जा रही हैं अभी? नहीं तो यहाँ कोई साधन नहीं मिल रहा आपको जाने, पैदल जा रही हैं आप? अच्छा क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई? साधन ही नहीं है तो हाथ में ले सामान लेना पड़ रहा है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। कहाँ से आए हैं? झांसी से आए। झांसी से। अच्छा ये बताइए क्या है यहाँ, आप लोग पैदल जा रहे हैं? कोई साधन नहीं, कैसे पैदल पहुँचना जाना है बस। अच्छा यहाँ से ऑटो वोटो वगैरह नहीं मिल रही? कुछ नहीं साधन। क्या बचे हैं? हड़ताल बता रहे थे, हड़ताल इधर पर। अच्छा तो आप लोग कैसे जाएंगे? पता नहीं कि सारे नहीं पैदल कैसे। हड़ताल की कुछ वजह पता चली कि आप? झांसी जाए पता हुआ। अच्छा क्या क्या समस्या हो गई ये यहाँ पे लोग परेशान घूम रहे हैं? समस्या तो बहुत गंभीर है और एक महीने से समस्या है, जो कि तानाशाही तरीके से, जो कि आरपीएफ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनका पेट ज़्यादा बड़ा हो गया है, उनको पैसे ज़्यादा जरूरत है, सैलरी शायद सरकार गवर्नमेंट दे नहीं रही है, तो इसकी वजह से जो गरीब रिक्शा वाले हैं उनसे उनको महीना चाहिए 600 रुपये पर डब्बे वाले से, 20 रुपये पर डे 600 को महीना होता है, अगर 2000 पर डे होता है तो 60,000 का मंथली इनको चाहिए, अगर नहीं देंगे तो यहाँ स्टैंड में ऑटो नहीं खड़े कर पाएंगे। और कल लोगों से मारपीट भी की है, इससे पहले भी मारपीट किए थे और कुछ लोगों के ऑटो पकड़े भी थे और 10-15 पहले भी चालान कर चुके हैं और 30-40 लोगों कल नाम लिख के लेके गए हैं। इन सबको देखते हुए 24 घंटे हो चुके हैं स्ट्राइक करते हुए, अपने संवैधानिक रूप से स्ट्राइक किए हुए हैं अपनी। आप लोगों ने किसी शिकायत की अभी यहाँ स्टेशन प्रबंधक या किसी से? स्टेशन प्रबंधक से अभी अभी मुलाकात हुई है हमारी 15 मिनट पहले, तो उन्होंने बात हुई है कि और अधिकारियों को बुलाते हैं, मीटिंग कराते हैं, लेकिन अभी हमको कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने भी बोला है कि यहाँ नहीं रुकेंगे, सवारी उठाएंगे चले जाएंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर सवारी ये उठाएंगे और चले जाएंगे, अगर 15 मिनट या 20 मिनट इंतज़ार करते हैं, 5 से 6 किलोमीटर महोबा की रेंज है, अगर ये इतना ही करेंगे, 2-4 सवारियाँ होती हैं और जाती हैं, इससे ज़्यादा तो खर्चा तेल में आ जाएगा, अगर वो खड़ा नहीं होगा इंतजार नहीं करेगा तो ये तेल में ही कमाएगा क्या? अच्छा, ये यहाँ लोकल जो शहर कोतवाली पुलिस ने यहाँ पार्किंग स्थल बनाया है, बोर्ड लगाया है, तो वहाँ रेलवे से क्या दिक्कत है रेलवे वालों को गाड़ी खड़ी? वहाँ पे कोई भी गाड़ी को खड़ा होने नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी वहाँ पे अंडर में आता है, हमारी जागीर है, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं हमारी जागीर है और हमारे क्षेत्र में आता है, वहाँ पे किसी का कुछ नहीं चलेगा, हमें आप पैसे दीजिए तो गाड़ी खड़ी करिए और नहीं होगा तो नहीं खड़ी। आपने उसका भी कहना है कि आप दीजिए तो परेशान नहीं होंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं हम पैसे क्यों दें जब टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़। अच्छा, आपकी बातें अगर नहीं मानी गई तो आगे कैसी तरह हड़ताल चलती रहेगी? बारिश भी अच्छी है, सर्दी भी अच्छी है, घर परिवार छोड़कर यूं ही मांगों पे डटे रहेंगे हम लोग। जम्मू से आया हूं भाया और झांसी, झांसी टू नहीं। ये यहाँ क्या समस्या है? अभी बैग लिए सड़क पे खड़े हैं, मेरे पास 2 बैग मैंने बेच चुके हैं यहाँ से। समस्या ये कि जो हमेशा आज के कम से कम 30 साल से जो सुविधाएँ चल रही थी, आज फिर भी कोई सुविधा नहीं है, मतलब ये चल रहा है, क्या दिक्कत हुई है? अगर दिक्कत है जीआरपी पुलिस अगर उनसे पैसा मांग रही है, जीआरपी वाले कुछ कर रहे हैं तो उसके बीच समाधान होना चाहिए। ये रेलवे स्टेशन आज का तो नहीं है, रेलवे स्टेशन को सन कम से कम 30-40 साल हम तो जब से जन्म हुआ तब से ये रेलवे स्टेशन है, इनको रेलवे स्टेशन जो प्रोवाइड कराए स्टेशन मास्टर का कोई भी करे, कोई सुविधा जो इनको हो रही है तो उनकी सुविधा हो, जनता आज जनता ही परेशान हो रही है। तो यहाँ आने जाने के लिए कोई ऑटो या कोई वाहन आपको स्टेशन? कोई नहीं मिला अभी, हम लोग परेशान है वहाँ से, वहाँ से आप यहाँ तक आ गए हैं, इसके बाद हम यहाँ से आ जाने के लिए कह रहे हैं, कोई ऑटो वाले तो स्ट्राइक हो गए, स्ट्राइक में कह रहे हैं कि हमें भैया इनका कोई जीआरपी वाले कह रहे हैं कि भाई पैसा मांग रहे हैं, भाई पैसा मांग रहे हैं, स्टेशन मास्टर कंप्लेन करिए, स्टेशन मास्टर उसे अपना कोई कंप्लेन वो आपस में कोई तालमेल बढ़ाए, इनकी कोई जगह दें, कुछ ना कुछ करे, कोई सलूशन निकाले, अल्टीमेट पब्लिक परेशान क्यों है। सर क्या समस्या है, ऑटो रिक्शा वाले धरने पर हैं, लोगों को समस्याएँ हो रही, यात्रियों को क्या वजह हुई है? कोई ऐसी समस्या नहीं, हमें कुछ कंप्लेंट मिली थी कि यहाँ पे जो ऑटो वाले हैं वो खाली बैठ रहे थे, बिना ट्रेनों के बाद भी बैठ रहते हैं, और एक दो महिलाओं ने यहाँ मुझे शिकायत किया था कि वहाँ से वो तंज कसते हैं, और जाकर देखा तो अव्यवस्थित खड़े रहते हैं, पूरा रास्ता रोके रहते हैं, और ट्रेन रहने ना रहने पर भी वो 24 घंटे खड़े रहते हैं, जो कि उनको कहा गया कि आप एक व्यवस्थित ढंग से रहिए, ट्रेन आने से 15 मिनट पहले आइए, यात्रियों को ले जाइए और यात्रियों को वहाँ से ला के यहाँ खड़ा कीजिए बस, और अगर वृद्ध यात्री है, विकलांग यात्री है, आप उन्हें प्लेटफॉर्म तक भी छोड़ सकते हैं, इसी बात के लिए उनको कहा गया, पता नहीं क्यों आक्रोशित हो गए वो लोग। अच्छा सर, तो लोगों को यात्रियों को समस्याएं हो रही हैं, तो क्या इस समस्या के समाधान के लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास किए गए? हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन ये है कि वो लोग थोड़ा सा इस बात को समझे कि यहाँ अगर ट्रेन नहीं है 4 घंटे तक, तो उनको रहने का क्या कारण है ये भी बताना चाहिए।
यही बात भी उनको लेकर जिद अड़े हुए हैं कि हम लोग 24 घंटे खड़े रहेंगे और हम चाह रहे हैं कि वो ट्रेन आने पे आए और यात्रियों को लेकर चले जाएं, लेकिन इस समस्या का समाधान हम बातचीत करके निकाल लेंगे। जी।